के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जानों का पालने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम नाइन्थ क्लास चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.1 हमारी कम्प्लीट हुई, उसमें हमने चार फॉर्मूले किए थे। आज यहाँ पे अगेन उन फार्मूलों को डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज 4.2 इंशाल्लाह करेंगे। फार्मूलों का मकसद मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को, फार्मूलों का मकसद क्या होता है। अब यहाँ पे जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। लेट्स सपोज पहला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब पहली प्लस दूसरी वैल्यू को होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस पहली माइनस दूसरी वैल्यू को होल स्क्वायर, अगर ये कंडीशन बन जाए तो हम उसको लिख सकते हैं 4ab, मतलब 4 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू। अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह माइनस का है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी तरह अलग अलग क्यूब अगर इंडिविजुअल क्यूब आ जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, लेकिन इस ए बी प्रोडक्ट के साथ माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ए बी के साथ प्लस में जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीन वैल्यू हमारे पास है और इन तीनों प्लस और ये उनका हम क्यूब लेंगे स्क्वायर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इनटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हम वैल्यू इसको वैल्यू के तरह इस्तेमाल करेंगे। इनमें से कोई सी दो वैल्यू देगा, यानी कि या इस की वैल्यू दे देगा या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू देगा। इन तीन में से कोई सी दो की वैल्यू देगा और एक हमें कहेगा कि ये फाइनल। लेट्स सपोज इन दो की देता है ये फाइंड आउट करना है, ये और ये वैल्यू देता है ये फाइंड आउट करना है, ये और ये वैल्यू देता है तो हमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। कोई सी दो देगा तीसरी मालूम करनी होगी। ये पुराने फॉर्मूले जो हम पीछे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आगे कहीं इस्तेमाल करने हो तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 है, कहता है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला देखें, हमें चाहिए ए प्लस बी दे रहा है ए माइनस बी भी दे रहा है, फाइंड हमने करना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम फॉर्मूलों को देखेंगे तो अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर हमने ए बी फाइंड आउट करना होता तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाते। फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी की वैल्यू पुट की ए माइनस बी की वैल्यू पुट की और उसके बाद ये सारा सेम रहा, 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऐड किया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड, मैंने ये साइड इधर लिख दी ये इधर लिख दी है, सिंपल इज दैट। तो ये 68 आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब दूसरा पार्ट देखिएगा, उसमें भी ए प्लस बी दिया है ए माइनस बी की वैल्यू दी है, कहता है ए बी फाइंड आउट करें। अब ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू माइनस दरमियान में लगाएंगे और यहाँ पे 4ab, ये फॉर्मूला मैंने लगा दी यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट की ए माइनस बी की वैल्यू पुट की 4ab ए बी हमने फाइंड आउट करना है, 25 आ गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं 17 आ गया, 4ab यहाँ पे 8 आ जाता है माइनस करने से, 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यानी 1 के दो पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास,
कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1 है, देन फाइंड आउट a b प्लस b c प्लस c a। अब ये हमारे पास देखें, हमें बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल क्लियर हमें पता चल रहा है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पे लगाना है। अब कौन कौन सी चीज दे दी है, ये वाली चीज भी दे दी है, ये वाली चीज भी दे दी है, आप कहते हैं ये फाइंड आउट करें, हम सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसके अंदर वैल्यू जो चीज हमें मालूम है वो पुट करते जाएंगे, a प्लस b प्लस c ये हमें मालूम है क्या है, ये दिया हुआ है माइनस वन पुट कर दिया इसका स्क्वायर, उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है 45 ऊपर गिवन में, ये हमने लगा दी और ये हमने फाइंड आउट कर दी है इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस आपके पास खत्म हो जाएगा, वन आ जाएगा, ये 45 इधर प्लस हो रहा था, इधर आपके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये सारी वैल्यू मैंने इक्वल की साइड पे सेम लिख दी। अब हमारे पास ये क्या बन गया माइनस 45 के, तो बड़े के साथ माइनस थी, टू इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मैंने इससे जो फाइंड आउट करते हैं चीज, उसको कोशिश ये होती है कि उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाए, जो उसका आंसर होता है वो किस साइड पे लिखना चाहिए राइट साइड पे, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 22। अब बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर जो आपके पास क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला लगता है, बात सिर्फ ये चेंज करता चला जाएगा, वैल्यू दो देगा तीसरी चेंज कर देगा, 3, 4, 5 ये भी इसकी तरह सेम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये चारों क्वेश्चन आपस में सेम है, चारों के अंदर सेम फॉर्मूला लगता है, ये आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह होगा इंशाल्लाह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अब फॉर्मूला चेंज होता चला जाएगा, एक्स प्लस वाई दे रहा है 7, एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई दे रहा है 12, फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है, अब ये चीज हमें हेल्प कर रही है कि हम इस यहां से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम इस साइड इस वैल्यू के दोनों तरफ क्यूब ले लें तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 7, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 7, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले दिया, इस साइड पे भी मैंने क्यूब लिख दिया, इस साइड पे भी क्यूब लिख दिया। अब क्यूब का फॉर्मूला, होल क्यूब का फॉर्मूला ये देखिएगा, यहां पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का क्यूब 343 होता है, वो मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया है। अब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 12, ये मैंने लिख दी, x प्लस वाई की भी वैल्यू मौजूद है 7, वो मैंने यहां पे पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 252 आ जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर हमारे पास इसको सिंपलीफिकेशन के बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आंसर क्या आ जाएगा 91। इसी तरह जिस तरह यहां पे फॉर्मूला लगा है ना हमारे पास a प्लस बी वाला, अब जो नेक्स्ट में क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो a माइनस बी का फॉर्मूला उसमें लगेगा, बाकी जितने भी इस तरह के सवाल है मैं सेम लिख दूंगा। अब ये देखिए 5x माइनस 6y इक्वल टू 13, एक्स वाई 6 दे रहा है, फाइंड करना है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब यहां भी देखें 5 का क्यूब लें, 5 का क्यूब लें तो 125 ये आता है, एक्स क्यूब ये आता है, 6 का क्यूब लें तो 216 आता है, ये लिखा हुआ है वाई क्यूब, मीन्स इस वैल्यू का अगर हम क्यूब ले लें तो हमारे पास ये जो फाइंड हमने करना है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्यूब दे दिया, क्यूब अप्लाई किया, आप देखिएगा ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनटू ए माइनस बी, ये है। अब यहां पे ए क्या है 5x है, ए क्या है 5x, बी क्या है 6y, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इनटू ए, ए क्या है 5x ये लिख दिया, बी क्या है 6y ये लिख दिया, ए बी इंटू ए माइनस बी ये हमारे पास आ गया, और 13 का क्यूब 2197 आता है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया। अब 5 3 15 15 6 90 ये लिख दिया, एक्स वाई मल्टीप्लायर है, एक्स वाई मल्टीपल की वैल्यू 6 है, 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है, वो मैंने वैल्यू पुट कर दिया आपके पास, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इधर माइनस हो रहे थे उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, दोनों को ऐड किया आपके पास आंसर आ गया 9217 इसका आंसर आ गया।
इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन सवालों की निस्बत। देखिएगा x plus 1 by x is equal to 3, फाइंड करना है x cube plus 1 by x cube। अब देखिए ना, यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू उसने दी है xy, यहाँ पर भी उसने xy की वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पे xy की वैल्यू नहीं दी। अब क्यों नहीं दी, उसका रीजन आगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अगेन हमने q मालूम करना है, ठीक है, q मान बोथ साइड दोनों तरफ क्यूब लेंगे, a क्यूब। अब b क्या है, 1 by x है, सिर्फ x नहीं है, 1 by x है। देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। अब यहां पे चूंकि x और x आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ बच जाता है x प्लस 1 by x। अब उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हमारे पास उसने x और y की वैल्यू नहीं दी, सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन दिए। इसकी वजह ये 3 पुट की, 3 फॉर्मूले वाला, 9 उधर जाके माइनस हो गया, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आपके पास 6 से लेकर 13 तक जितने क्वेश्चन है बिल्कुल इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पर है, a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, इन्हीं दो फॉर्मूलों पर वो बेस करते हैं ये दो फॉर्मूले। तो आप इंशाल्लाह वो कर लेंगे, जिनमें मैंने एक एक सवाल सबका कर दिया, आप इंशाल्लाह कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, हमने फैक्टराइज करना है। देखिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस x प्लस y, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, यहां पे फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर वाली नाम चेंज हो जाएगी, x माइनस y आ गया। अब दो वैल्यू भी देखें, माइनस से पहले भी जो है उसमें भी x माइनस y है, इधर भी x माइनस y है, x माइनस y कॉमन ले लिया, जो अंदर वैल्यू बच गई वो आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है 8x³ - 1/27y³। अब मैं 8 को लिख सकता हूं 2x³, यानी जब क्यूब अप्लाई करेंगे अगेन यही आ जाएगा। इस तरह इसको मैं लिख सकता हूं 1/3y, यानी 27 को लिख सकता हूं, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 1/3y का होल क्यूब। अब ये फिर वही फॉर्मूला बन गया, a³ - b³, ये जो ऊपर सवाल किए बिल्कुल सेम इसी तरह, ये फॉर्मूला ओपन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगेन ये फॉर्मूले सिर्फ हमने जज करना है और अप्लाई कर देना है कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सिर्फ ये जज करना है। आपको इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए 4.1, 4.2, इवन 4.3 को भी आपको हल करने के लिए इन फॉर्मूलाज पे सही ग्रिप होने चाहिए। अगर आपकी ग्रिप नहीं है तो आपका इन एक्सरसाइजेस को करने का कोई मकसद नहीं है। ये एक्सरसाइज बोर्ड पैटर्न के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का मस्ट आता है। पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन वाले होते हैं और एक डेफिनेशन होती है, और आपके पास एक एमसीक्यूज आता है इसमें से। मींस तकरीबन 12 मार्क्स का, 11 टू 12 मार्क्स का जो आपका पेपर है इस चैप्टर में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूला हमने बनाने की कोशिश की, a, अब a की जगह क्या है x स्क्वायर, b की जगह क्या है y स्क्वायर है, a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर था, और स्क्वायर और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6x6y6, यहां पे आ जाएगा y6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न से यही है, यही फॉर्मूला इसमें, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला आपके पास दोनों, अब ये दोनों फॉर्मूले आपके पास लग रहे हैं, तो सिंपल फॉर्मूला। इसी तरह तीसरा और चौथा पार्ट सेम है, उनको आपने कर लेना है। तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी 4.2 जो कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको सारी इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में, फॉर्मूले में कोई इश्यू है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।